दिया। इस समय लिखा है कि इस मृत्यु लोक में जितने भी लोग धर्म सत्कर्म करते हैं, यजन यज्ञ करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, इससे देवताओं की पुष्टि बढ़ती है, यानी देवताओं को शक्ति बढ़ती है। तो यहां पर धर्मदेव ने पूछा कि देवताओं को शक्ति बढ़ती है उससे क्या होता है? कहा देवताओं की शक्ति बढ़ती है उससे संसार का विस्तार होता है, परिवार में संतति बढ़ती है, अन्न की कमी नहीं रहती, आयु की कमी नहीं रहती, देवताओं की शक्ति बढ़ती है तो रोग नहीं फैलते मृत्यु लोक में। ये बात वायु पुराण में लिखी है। सत्कर्म करोगे देवताओं की शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी तो रोग नहीं बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि देवताओं की शक्ति में कमी आ गई इसलिए कोरोना फैल गया। इस ग्रंथ के अनुसार तो यही कहना पड़ेगा, देवताओं की शक्ति में कमी आ गई। कमी तो इसलिए आ गई, आपने यज्ञ करना बंद कर दिया, सत्कर्म करना बंद कर दिया। पहले का कोई समय था कि 24 घंटे में से लोग 9 घंटे तो कम से कम भगवान का भजन करते थे, माला पकड़ते थे 9 घंटे। आज तो 9 मिनट के लिए ही टाइम नहीं है, समय नहीं है। पूजा करते थे, पूर्वजों को अंजलि देते थे, आज तो जिंदे जी भी उनको गिलसिया पानी पिलाने को तैयार नहीं है। तो इससे देवों की शक्ति का ह्रास हो रहा है। और इस ग्रंथ का मैं बड़ा आदर करता हूं, इसमें सभी बातों को खोल खोल के रखा गया। इसमें वर्णन है कि मृत्यु लोक के लोग जब धर्म सत्कर्म करते हैं और उससे देवताओं की शक्ति बढ़ती है, और जब देवताओं की शक्ति बढ़ती है तो मृत्यु लोक में लोगों की उम्र बढ़ती है, वो निरोगी रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता, स्त्रियां बांझ नहीं रहती, जीव की मृत्यु नहीं होती, लोग अकाल मौत के द्वारा नहीं मरते। पहले के कालों में यदि किसी की अकाल मृत्यु होती तो ब्रह्मांड हिल जाता था। यदि किसी की अकाल मौत समय से पहले कोई मरता, भूचाल मच जाता था पूरे ब्रह्मांड में, बहुत बुरा हो गया, फला जगह पर एक व्यक्ति छोटी उम्र में चला गया है, भूकंप आ जाता था। लेकिन आज के अपराधों के बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सल्फास खा के मरता है, कोई नदी में डूब के मरता है, कोई रेल के डिब्बे के आगे गिर के कट के मरता है। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा, हम धर्म सत्कर्म करेंगे तो वायु भगवान के शब्दों में इससे देवताओं की शक्ति बढ़ेगी, देवताओं की शक्ति बढ़ेगी तो अन्न की कमी नहीं आएगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, जल की कमी नहीं आएगी। और इसमें वर्णन किया गया है देवताओं की शक्ति का ह्रास होगा तो वरुण जी खत्म हो जाएंगे, वरुण शिथिल हो जाएंगे, और जल के मालिक वरुण देवता हैं, और जब वरुण देवता किसी काम के नहीं रहेंगे तो धरती के जल का स्रोत समाप्त हो जाएगा। मृत्यु लोक में पानी नहीं रहेगा तो पितर तो नरक में गिर रहे होंगे, यहाँ जीवन खत्म हो गया होगा, कुछ बचेगा नहीं। आने वाले समय में लोग पानी की वजह से प्यासे प्यासे मर जाएंगे। ये कल की पुराण में वर्णन है। वैसे भी बहुत जमीनें ऐसी हैं जहां नीचे जल का स्रोत नहीं रहा, कैसे भी पानी को बचाइए, जल बचे तो उसके लिए पेड़ लगाइए, पेड़ के बिना बारिश कहां होगी, पानी ऊपर से नहीं गिरेगा तो नीचे का वाटर लेवल नहीं बढ़ेगा, और जमीन में पानी नहीं रहेगा तो सब मर ही जाएंगे। पितर जल से तृप्त होते हैं, भगवान जल से तृप्त होते हैं, पूरा जीवन तो जल के ऊपर है, इसलिए जल ही जीवन है। तो बहुत आनंद के साथ ये मैं बात आपके बीच में रख रहा हूं कि धर्म सत्कर्म ज्यादा कीजिए। 9 घंटा भगवान को नहीं दे सकते तो ईमानदारी से 9 मिनट तो भगवान को दीजिए।